आज का मेरा प्रश्न उन बच्चों से है जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स के अंदर 100 में से 99 नंबर लाया करते थे। अरे पूरी दुनिया कोरोना से मरी जा रही है, कोई वैक्सीन तो बना लो। या ये 100 में से 99 नंबर बस इसीलिए लाया करते थे ताकि हम जैसों के माँ बाप हमें धूस दें। गुड मॉर्निंग इंडिया, वेलकम बैक बच्चों टू योर ब्यूटीफुल से चैनल विद योर हैंडसम टीचर जिसका नाम है फिजिक्स बाय राहुल बंसल। करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक। आज है हमारा चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स का दी एंड। आज हम कर देंगे न्यूमेरिकल्स का दी एंड। कुछ न्यूमेरिकल्स हमारे लेफ्ट लास्ट क्लास में बचे रह गए थे, कुल मिलाकर 24, 25, 26, 33, 34, 5 क्वेश्चन। कंफ्यूज मत होना, जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं देखी मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगा इन्फॉर्मेशन, एक बार चेक कर लेना। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बोला था कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ट्रस्ट करके रख के चलना कि राहुल सर आपको गलत नहीं पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन छोड़ नहीं रहे हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में कभी ना आए हैं, ना ही कभी आने के बिल्कुल भी चांसेस हैं। वो थोड़े से टिपिकल क्रूशियल ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारे केवल कंसेप्ट क्लियर करने काम आते हैं। और छोड़ करते हैं स्टार्ट। चलिए तो हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 जो है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स, व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स ऑफ ए 2 फेराड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू दे दी गई है 2 फेराड। गिवन दैट द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज 0.5 सेंटीमीटर। आपको डिस्टेंस दे दिया गया है बच्चों 0.5 सेंटीमीटर, और इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर्स में 10 की पावर -2 मीटर। आपको आगे बोला गया है क्या बोला गया है आपको आगे बोला गया है क्या बोला गया आपको आगे बोला गया है व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स। आपको निकालना है एरिया, आपको फाइंड आउट करना है एरिया, और ये एयर वाला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। सी की वैल्यू होती है एप्साइलन नॉट ए बाय डी। एरिया आपको निकालना है सी इंटू डी अपॉन में एप्साइलन नॉट। सी की वैल्यू आपको पता चल गई है, डी की वैल्यू आपको पता चल गई है, एप्साइलन नॉट आपको पता है। मैं बोल देता हूं 8.854 इंटू 10 की पावर -12। तो आप यहां पर एरिया बड़े आराम से निकाल सकते हैं जो आएगा मीटर स्क्वायर्स में। 24 आपके पास हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देख लेना। पहले इसका सर्किट बनाते हैं जरा, जैसे कि मैं आपका सर हूं ऐसा ही ये मेरा सर है, और साथ में है ये किट, तो ये बन गया सर्किट। 100 पिकोफेराड, 200 पिकोफेराड, 200 पिकोफेराड, 100 पिकोफेराड, 300 वोल्ट यहां पर है। बच्चों आपको निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और 300 वोल्ट सप्लाई दे दी है, और आपको निकालना है चार्ज और वोल्टेज हर कैपेसिटर में। काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन ये होने वाला है। मेरा डस्टर कहां गया, तो आइए देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व। देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, ध्यान से देखें। सबसे पहले इस सर्किट को अगर मैं ऐसे बना दूं, क्योंकि हमने आमतौर पर बैटरी नीचे की तरफ पड़ी है, तो मैं इसको अगर ऐसे बना दूं तो ये सर्किट कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये सारे जो कैपेसिटर आप खड़े नजर आ रहे हैं ये अब लेट जाएंगे। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखिए ये वाला ऐसे आ जाएगा, और उसके बाद ये वाला कुछ ऐसे आ जाएगा। जब इसको हम ऐसे खड़ा करेंगे तो ये वाला हमारे पास यहां पर ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। 100 पिकोफेराड ये था आपके पास, और ये वाला यहां से लास्ट में ऐसे आ जाएगा, ये और यहां से दोनों कनेक्शंस ऐसे आ रहे हैं, ये आपके पास ऐसे आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, ये 200-200 के दोनों हैं, और ये दोनों के दोनों लगे हुए हैं सीरीज में, क्योंकि ये एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं।
तो ये दोनों लगे हुए हैं सीरीज में। जब ये 200-200 सीरीज में लग जाएगा, जब ये 200-200 सीरीज में लग जाएगा, और सीरीज में आप लोगों ने सीखा था कि सीरीज के अंदर हम ऐड करते थे तो वो रेसिप्रोकल होके ऐड होते थे, तो 200-200 जब रेसिप्रोकल में ऐड होंगे तो आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूं, आप उसका आधा कर दो। 200 वाला और 200 वाला कैपेसिटर जब सीरीज में ऐड हुए हैं तो वो रेसिप्रोकल होके ऐड होते हैं, तो 200 और 200 मिलकर 400 नहीं आएगा, वो 100 रह जाएगा। तो इसका नेट कैपेसिटेंस कुछ ऐसे मिलेगी, ये आपके पास मिलेगा कुछ ऐसा, 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 और ये आपके पास मिलेगा कुछ ऐसा। ये हो गया 100, ये हो गया 100, और ये भी हो गया 100। अब ध्यान से देखिए कि ये वाले आपके कैसे कैसे कनेक्टेड हैं, ये आप ध्यान से देखिए। अब अगर मैं बोलूं कि ये वाले आपके कैसे कनेक्टेड हैं, तो बेसिकली ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं या पैरेलल में, आप मुझे बताइए, ये आपके आप सीरीज में दिख रहे हैं या फिर पैरेलल में, सोच के बताइए। अगर सपोज कीजिए हम यहां पर करंट इलेक्ट्रिसिटी में जिस तरीके से पढ़ाते हैं, थोड़ा सा मैं वैसे समझाऊं, करंट अगर यहां से पास होगा तो वो इसमें से भी पास हो सकता है, कहने का मतलब है इसको अगर मैं बंद कर दूं तो सर्किट हमारा पूरा हो जाएगा, अगर मैं इसको बंद कर दूं तो भी हमारा सर्किट पूरा हो जाएगा, कहने का मतलब है ये दोनों हमारे पास आ गए पैरेलल में, और पैरेलल में आने का मतलब है इन दोनों को हम कर देंगे डायरेक्टली ऐड, तो हमारा सर्किट कुछ ऐसा बनेगा। 100 और 100 बच्चों हो जाएगा मिलकर 200, ये 200 और ये वाला 100, और फाइनली जब 200 और 100 को अब ये सीरीज में ऐड हो गए हैं, और जब 200 और 100 को हम ऐड करेंगे रेसिप्रोकल फॉर्म में तो ये हमारे पास मिलेगा कुछ ऐसा। रेसिप्रोकल में अगर हम ऐड करेंगे तो 1/CS 200/3 आएगा, आपको बता देता हूं मैं कैसे, 1/100 प्लस 1/200, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो CS की वैल्यू आएगी 200/3, तो हमारे पास ये कुछ मिलेगा इस टाइप का, ये आ गया 200/3 और ये आ गई 300 वोल्ट। आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल चुकी है, अब आपको निकालना है कि यहां पर कितना चार्ज होगा हर एक पर और कितना पोटेंशियल होगा हर एक पर। तो सबसे पहले देखो बच्चों, यहां से अगर मैं चार्ज निकालना चाहूं तो Q बराबर होता है C इंटू V, C की वैल्यू आई 200/3 और V की वैल्यू आई 300, तो ये आ गया आपके पास 100 और ये आ गया आपके पास 40, और ये जो कैपेसिटेंस आपकी चल रही थी ये पीको में चल रही थी, पीको का मतलब हो गया 10^-12, तो ये बचा आपके पास 2×10^-8 कूलाम, 2×10^-8 कूलाम। इस पर चार्ज कितना है 2×10^-8 कूलाम, इस पर वोल्टेज कितनी है 300 वोल्ट। आगे चलते हैं, ये बना हुआ किस चीज का है, ये इन दोनों का बना हुआ है, इन दोनों का बना हुआ होने का मतलब क्या हो गया, इन दोनों पर चार्ज होगा सेम, क्योंकि ये दोनों के दोनों कैसे कनेक्टेड है सीरीज में, इस पर भी चार्ज होगा इतना और इस पर भी चार्ज होगा इतना, लेकिन इन पर पोटेंशियल अलग अलग होगा। पोटेंशियल अलग अलग होने का मतलब क्या है, वी की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो वो आएगी Q/C, क्यू की वैल्यू तो ये आपके पास आ चुकी है 2×10^-8 और सी कितनी है 200 pF, तो आप यहां पर डिवाइड करेंगे क्यू को सी से तो आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाएगी, उसी तरीके से यहां पर भी डिवाइड करेंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये वाला 100 तो आपको मिल ही चुका है फाइनली, अब बात करते हैं इस 200 की, ये 200 किससे बना हुआ था, ये बना हुआ था आपका इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन से, तो जितना यहां पर पोटेंशियल आपको मिलेगा, क्यू की वैल्यू आई थी 2×10^-8 और कैपेसिटेंस कितनी निकल के आई है 200 pF, तो 200 pF 10^-12, तो ये आपके पास कुल मिलाकर मिल जाएगा 12, ऊपर जाएगा 12 में 60 गया 4, 4 को 2 से डिवाइड करा तो 2 बचा, तो आपके पास आंसर आएगा 100 वोल्ट, तो 100 वोल्ट मिला। अब ये यहां पर पैरेलल में चेंज हो गया, तो जितना 100 वोल्ट यहां पर है उतना ही 100 वोल्ट यहां पर है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों के दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और आपको बताया हुआ है पैरेलल के अंदर वोल्टेज हमारे पास सेम होती है, 100 वोल्ट इसके पास 100 वोल्ट इसके पास, कैपेसिटेंस आपको दे रखी है, तो फाइनली आपके पास क्या निकल जाएगा यहां पर, यहां पर आपके पास निकल जाएगा चार्ज, यहां पर आपके पास आ गया पोटेंशियल,
ये आपके पास आगे कैपेसिटेंस, तो डेफिनेटली आप क्यू बराबर सी वी से इसको निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं ये वाला 100। बच्चों ये वाला 100, यहां पर आपके पास पोटेंशियल कितना आ चुका है 100 वोल्ट। अब ये वाला जो हमारा बना हुआ है ये सीरीज कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, तो यहां पर हम पहले चार्ज निकाल लेते हैं। चार्ज हमारे पास कितना आया क्यू बराबर सी वी, सी आपके पास कितना है 100 पीको, पीको का मतलब हो गया 10 की पावर -12 और वी का मतलब हो गया 100, 12 में से 4 चले गए तो 10 की पावर -8 बचा। 10 की पावर -8 कूलम इस पर भी होगा, 10 की पावर -8 कूलम इस पर भी होगा, दोनों पे चार्ज सेम है, दोनों की कैपेसिटेंस पता है, तो आप बड़े आराम से यहां पर पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, एक बार इसको स्लोली कर करके स्क्रीनशॉट में एक बार आप देखिएगा, ना समझ में आए तो डेफिनेटली हम इसको फिर से डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपके पास हो चुका है, आगे चलते हैं 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 आपके पास बच्चों है, द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैव एन एरिया ऑफ 90 cm². क्वेश्चन नंबर 26, एरिया आपको दे दिया गया है 90 cm², ये आ गया 90 × 10⁻⁴, क्योंकि मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। डिस्टेंस दे दिया गया है आपको 2.5 mm, तो ये कितना हो गया 2.5 × 10⁻³ मीटर, और ये कितनी वोल्टेज से चार्ज कर दिया गया है 400 वोल्टेज से। आपको निकालनी है कितनी एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगी। बच्चों एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 CV² सी का फॉर्मूला हो जाएगा एप्साइलन नॉट ए अपॉन में डी, तो सबसे पहले आप सी निकालेंगे, उसके बाद पोटेंशियल आपको दिया हुआ है, देन यू कैन कैलकुलेट इजिली एनर्जी। आगे आपको बोला हुआ है एनर्जी डेंसिटी भी निकालनी है, तो बच्चों एनर्जी डेंसिटी को हमने यू से दिखाया था, छोटे से यू से, नन्ना सा यू, मुन्ना सा यू, और इसकी वैल्यू थी एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम। एनर्जी आप सॉल्व कर चुके होंगे, यहां पर निकाल चुके होंगे, और वॉल्यूम का मतलब क्या हो जाएगा, एरिया इंटू डिस्टेंस। एरिया आपको पता है, डिस्टेंस आपको पता है, आप जब सॉल्व करेंगे तो एनर्जी डेंसिटी की यूनिट आएगी जूल पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 26 भी हो चुका है बच्चों, करते हैं आगे 33 और 34 का। तो बात करते हैं 33 की, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसको हमने कितनी वोल्टेज पर यूज करना है, वोल्टेज है 1 किलो, 1 किलो का मतलब हो गया 1000 वोल्ट। डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट है, एक सब्सटेंस रख दिया गया है जिसकी डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट आपको 3 दे दिया गया है, और कितनी डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, 10⁷ वोल्ट/मीटर। लेकिन आपको आगे बोला गया है फॉर सेफ्टी, सुरक्षा सभी की जरूरी है जैसे कोरोना से, वी शुड लाइक द फील्ड नेवर टू एक्सीड से 10% ऑफ द डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ। हम ये चाहते हैं कि इसके 10% से ज्यादा कभी एक्सीड ना करे, तो सेफ वैल्यू क्या मानी जाएगी, 10⁷ का 10%, इसका मतलब हो गया 10⁷ का 10/100, 0 से 0 गया तो ये आ गया 10⁶। व्हाट मिनिमम एरिया ऑफ द प्लेट्स इज रिक्वायर्ड टू हैव ए कैपेसिटेंस ऑफ 50 pF? आपको निकालनी है कैपेसिटेंस कितनी 50 pF, आपको क्या निकालना है इसका एरिया, आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो बच्चों सी की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, और एरिया का फॉर्मूला हो गया सी इंटू डी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्या आप यहां से सॉल्व कर सकते हो, एरिया आपको फाइंड आउट करना है, सी आपके पास 50 pF, एप्सिलॉन नॉट आपको पता है, और डी कैसे निकालोगे, डी निकालोगे वी और ई की सहायता से। आपको पता होना चाहिए जो आपके पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ई वी और डी का आपके पास फॉर्मूला होता है, ई बराबर बताओ, ई बराबर वी अपॉन में डी, ई बराबर होता है वी अपॉन में डी, तो डी आ जाएगा आपके पास वी बाय ई, वी अपॉन में ई, V की वैल्यू हो गई 1000 और E की वैल्यू हो गई 10⁶, तो ऐसी कंडीशन में 1000 और 10⁶, तो ये आ जाएगा 10⁶।
माइनस थ्री, 10^-3। तो ये वैल्यू आप यहां पर पुट करेंगे, c की वैल्यू ये पुट करेंगे, एप्सिलॉन नॉट आपको पता ही है, तो एरिया आपके पास निकल जाएगा मीटर स्क्वायर के अंदर। और लास्ट क्वेश्चन है, जय बजरंग बली, जय महाराज, वंदे मातरम, जय हिंद। क्वेश्चन नंबर 34 है, बहुत सारे क्वेश्चन हम इसे कर चुके हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द जेड डायरेक्शन। क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब स्कीमेटिकली द इक्विपोटेंशियल सरफेस कॉरस्पॉन्डिंग टू इट। अगर सपोज करो कि मेरे पास 1000 करोड़ आ जाए, मजाक कर रहा था। देखिए, ये आपके पास z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो इक्वी डिस्टेंट है, ऐसी कंडीशन में आपको बताना है इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होगा। बच्चों आपको मैंने बताया था, इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है एक ऐसा सरफेस जिस पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है। तो ये है आपके पास z डायरेक्शन, ये है आपके पास z डायरेक्शन, ये है आपके पास z डायरेक्शन और ये है आपके पास z डायरेक्शन। इस पर इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा ऐसा, और ये क्या होगा, एक्स वाई प्लेन। जी हाँ, ये है आपके पास इक्वी डिस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और अगर हम इसके ऊपर ऐसे प्लेन्स डालेंगे तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, और कैसे होंगे, एक्स वाई प्लेन। तो आप बोल सकते हो एक्स वाई प्लेन, चाहो तो डायग्राम भी बना सकते हो, ऐसा एक और बना दो। सेकेंड है, अ फील्ड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीजेज इन मैग्नीट्यूड बट रिमेन्स इन ए कॉन्स्टेंट जेड डायरेक्शन। एक ऐसी फील्ड है जो मैग्नीट्यूड में बढ़ती तो चली जा रही है, मैग्नीट्यूड में बढ़ने का मतलब है वो नॉन यूनिफॉर्म है। इसका मतलब क्या हो गया, वो इस टाइप की है, यहां पर वो चौड़ी चौड़ी है, यहां पर आते आते वो पतली हो गई, ऐसी है, लेकिन है वो अब भी जेड डायरेक्शन में। तो यहां पर हम अब भी वही बनाएंगे एक्स वाई प्लेन, लेकिन वो कैसे होंगे, वो थोड़े पास होते चले जाएंगे। ये देखो, ये डिस्टेंस है, अगले वाला और पास हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि होंगे तो वो अब भी एक्स वाई प्लेन, लेकिन पहले से कंपैरेटिवली वो पास होते चले जाएंगे, वो एक दूसरे के क्लोज आते चले जाएंगे। और इसका सी पॉइंट है कि अगर एक ऐसा रख दिया हमने जो ओरिजिन पर रख दिया चार्ज, तो बच्चों ओरिजिन पर अगर चार्ज रख दिया, पॉइंट चार्ज है, तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको बताया हुआ है, वो होता है कंसेंट्रिक स्फीयर्स, वो कंसेंट्रिक स्फीयर्स हमारे पास होंगे। थैंक गॉड, न्यूमेरिकल फिनिश हो गए इसके, स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन गुड बाय, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, बाय बाय, नमस्कार।